तो अपलोडिंग तो इम्पॉसिबल लग रहा है यहाँ से, और इस रास्ते से हमने जाना है नीचे यहाँ से होते हुए। देखिए बादल वादल सब हमसे नीचे हैं आज। तो जैसे जैसे मौसम खुल रहा है धीरे धीरे हिमालय भी दिखने लग गए हैं। बाकी कल हम उस वाले के अंदर सोए थे, जितना भी सो पाए इसके अंदर थे, और खाना पीना यहाँ पे बन रहा था। तो ऊपर विष्णु मंदिर से कलश यात्रा नीचे शिव मंदिर की ओर जा रही है। कल की जो रात बीती है, क्या खतरनाक रात बीती है। इतनी ठंड में पतली सी चादर में सोए हैं, और पतला सा एक चादर ओढ़ा था, वो भी पूरा मिट्टी वाला। रात भर उससे मिट्टी निकल रही थी। चलो जो भी है, खाना पीना मिल गया, चाय मिल गई, ठीक से गुजर गई। मतलब रात ठीक से तो क्या कहें, गुजर गई। बाकी सनराइज़ होने से पहले इस जगह पे पहुंच गए हैं। देखिए क्या नज़ारे हैं यहाँ से। अभी तो हर जगह बादल वादल दिख रहे हैं, और नीचे यहाँ देखो बादल वादल दिख रहे हैं। सनराइज़ अभी भी नहीं हुआ है, सनराइज़ यहीं से होगा शायद, इस साइड से सनराइज़ होगा। गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लंकेश्वर महादेव यानी कि महादेव के चरणों से। क्या नज़ारे हैं सामने देखिए। अभी तो विजिबिलिटी बहुत कम है, कोहरा है, सब कुछ है, और थोड़ी देर में इधर से सनराइज़ हो जाएगा। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 5:57। ठंडा तो हो ही रहा है। बाकी 4G नेटवर्क की तलाश में यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ भी नहीं चल रहा है, बहुत ही कम स्पीड आ रही है। हो सकता है कि व्लॉग लेट हो जाएगा, देखते हैं। यार मुश्किल है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मौसम थोड़ा सा ख़राब भी लग ही रहा है, धूप अभी तक नहीं आई है। सनराइज होगा तो यहाँ से दिख सकता है, वही देखने हम लोग आए हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोडिंग भी कर रहा हूँ और सनराइज़ का इंतज़ार भी। नीचे को तो बहुत ही डेंजर है, आज हमको यहाँ से जाना है। थोड़ी देर जो शिव पुराण स्टार्ट होना है, देखते हैं लोग आएंगे तो वो सब कवर करके उसके बाद निकलेंगे हम लोग घर को। और इस रास्ते से हमने जाना है नीचे यहाँ से होते हुए। देखिए बादल वादल सब हमसे नीचे हैं आज। तो यार वीडियो अपलोड होना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस जगह पे, क्योंकि 200-300 केबी से ऊपर की स्पीड तो आ नहीं रही है। अब हो सकता है 10-11 बजे उसके बाद ही हो, जब हम लोग जाएंगे उसके बाद ही अपलोड करना पड़ेगा। बाकी इस जगह को तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। वो भाई है मेरे साथ, भाई का भी चैनल है तेरी मेरी बात ना, आपका तेरी मेरी बात करके उनका चैनल है। तो ऐसे ही लगे थे हम लोग कुछ वीडियो शूट करने में, हाइपर लैप्स वगैरह, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी बहुत कम है। थोड़ा क्या मतलब, कोहरे हो रहे से ना बहुत कम दिखाई दे रहा है। पहाड़ पूड़ तो नज़दीक वाले जो हैं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, और दूर दूर तो पूछो ही मत। और सनराइज हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है अभी तक कुछ भी। बाकी गजब का सुकून है इस जगह में, सिर्फ चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। नेचर के साथ है, बहुत ही सुकून मिल रहा है। देख ही सकते हैं आप लोग, पूरा जंगल है, इधर जंगल इधर जंगल, इधर तो दिख ही नहीं रहा है जंगल कोहरे से, और नीचे आगे सारा जंगल है। दूर दूर तक मतलब कुछ घर वर कुछ नहीं दिखाई दे रहे। तो अपलोडिंग तो इम्पॉसिबल लग रहा है यहाँ से, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में ही करेंगे अपलोड वीडियो। लेट हो जाता है ना तो फिर थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, व्लॉग टाइमिंग ख़राब हो जाती है। बाकी विष्णु मंदिर वाले इलाके में हैं अभी हम, नीचे से आ गए थे, थोड़ा अपलोडिंग के चक्कर में आए थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। धीरे धीरे जो धुंध है वो अब हवा से उड़ रही है, और मौसम थोड़ा सा खुल रहा है। दूर दूर बादल वादल दिखाई दे रहे हैं। खैर अभी तो हम नीचे को चले गए, अब ऊपर यहाँ गए थे हम लोग। यहाँ से बड़ा सुंदर दिख रहा है यार, ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस वाले टॉप पे थे हम, बैकग्राउंड साफ भी हो गया। हाँ तो नीला जो बैकग्राउंड आ रहा है। बाकी अब इंतज़ार है जो महाशिव पुराण के लिए कलश यात्रा वगैरह होती है वो सब का। अगर वो सब एक बार देख लें, कवर कर लें, उसके बाद फिर निकलेंगे।
क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जाते टाइम बारिश वारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। आज भी हमको नाग के रास्ते जाना है, वैसे सुरखाल वाला जो रास्ता है वो शॉर्ट पड़ता, लेकिन बाइक कल वहाँ लगा के आए थे नाग में, तो वहीं से जाना पड़ेगा। तो ये देखिए बारिश के बाद ये सब भी खिल गए हैं, मशरूम, अलग प्रजाति का मशरूम। मशरूम की तो वैसे भी काफ़ी सारी प्रजाति होती है, पता नहीं ये विषैला होता होगा या कैसा रहता होगा, विषैला ना। ये देखिए, जय हो। तो ये है वो जगह जहाँ पे मेन लंकेश्वर महादेव का मंदिर है और इसी के अंदर है वो शिवलिंग। बाकी कल हम उस वाले के अंदर सोए थे, जितना भी सो पाए इसके अंदर थे, और खाना पीना यहाँ पे बन रहा था, चाय वाय सुबह यहीं पे पी थी हमने। बाकी यहीं नीचे पे है छोटा सा कुंड जहाँ से हम लोग पानी वानी ला रहे थे, पानी वानी का यूज यहीं से हो रहा था। तो फिलहाल जो हमारे घर जाने वाला रास्ता है इसमें आगे तक जा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा यहाँ नेटवर्क मिल जाए। तो यहाँ पर जो टेंट वेंट लगा है ना, यहाँ पे बैठेंगे ब्यास जी और पंडित लोग सारे यहाँ बैठेंगे, यहीं से भागवत सुनाया जाएगा यानी महाशिव पुराण सुनाया जाएगा, और बाकी लोग बाज इस साइड बैठेंगे। देखो वाटरप्रूफ होगा क्या ये? वाटरप्रूफ तो नहीं, अच्छा वो तो है, छत तो है वहाँ। तो जैसे जैसे मौसम खुल रहा है धीरे धीरे हिमालय भी दिखने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा हिमालयी पीक्स नज़र आ रही हैं, और धीरे धीरे लोग भी आने लग गए हैं अब, मतलब श्रद्धालु लोग। और कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, कलश यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है थोड़ी देर में, हो गई है क्या? ये लोग कर तो रहे हैं, परिक्रमा तो कर रहे हैं। हाँ दिखाते हैं आप लोगों को, परिक्रमा चल रही है। ये जगह ना काफ़ी दूर होने की वजह से लोग काफ़ी कम है कलश यात्रा में, लेकिन जितने भी हैं कलश यात्रा निकल रही है। तो ऊपर विष्णु मंदिर से कलश यात्रा, नीचे शिव मंदिर की ओर जा रही है, और लोग वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लोग वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं काफ़ी हैं कलश यात्रा के लिए। तो सुंदर लग रहा है, धीरे धीरे धूप भी खिल गई है और गर्मी भी होने लग गई है, थोड़ा सा जैकेट वैकेट इसी वजह से निकाल दिए हमने। बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर ना ये आवाज़ें गूंज रही हैं हर हर महादेव की, बहुत सुंदर लग रहा है ये सब। बोलो शिव शंकर महादेव की जय, शंकर महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोतियों की आंख में मोतियां जिस तरह मेरे मन में शंकर, तू बसा है उस तरह। ऑलमोस्ट सारी चीजें डन हो चुकी हैं, बस सबसे जरूरी काम रह गया है, वो है पेट पूजा, हम भी कर लेते हैं पेट पूजा, इसके बाद फिर सीधे निकलते हैं घर को। भोले भक्तों के लिए यहाँ पे पूरी भोले की खेती भी लगाई गई है, जितना चाहे दम पी सकते हो। चले फिर, तो 10 बजे का टाइम हो रहा है, निकलते हैं वापस। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है, हल्की सी, सामने दो, आगे उससे आगे दो, बाकी पीछे आ रहे हैं भाई लोग। तो यार एक रात लंकेश्वर महादेव में बिताने के बाद और आज महाशिव पुराण का आरंभ देखने के बाद, पेट पूजा करने के बाद निकल गए हैं वापस हम लोग अपनी
पैदल यात्रा में घर को, और आज वैसे उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज ज़्यादा जो है वो नीचे को चलना है हमने उलार के। बाकी धार वाला रास्ता एक दो जगह है, कमी है मतलब। और मौसम आप देख ही सकते हो किस टाइप का हो रहा है, गजब मौसम हो रखा है, ठंडा वाला मौसम। बाकी पहले हम यहाँ से जाएंगे अब नाग, और वहाँ से फिर बाइक से गंगोली हाट पहुँचेंगे। और 10:30 होने वाला है, जो आज का वीडियो आना था वो अभी तक पोस्ट नहीं हो पाया है, लग रहा है 12 बजे तक ही पोस्ट हो पाएगा। आते आते सब लोग अलग अलग हो गए हैं, दो लोग काफ़ी आगे चले गए हैं, बाकी पीछे हैं, हम दो साथ में चलते हैं। लग रहा था नीचे को फटाफट जाएंगे, लेकिन फिसलन इतनी है कि दिक्कत हो सकती है, गिर गिर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं रास्ते, बहुत नीचे जाना है हमने और पूरा कोहरा लग रखा है।